आज मैं काले चना के टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए चना को अच्छी तरह से धोकर रात में फुला लिए हैं। देख सकते हैं चना अच्छी तरह से फूल चुका है। चने से डबल पानी डाल देंगे कुकर में। एक आलू छील कर अच्छी तरह से धोकर इसमें डाल देंगे। एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। कुकर के लीड लगाकर 3 से 4 सीटी तक इसे प्रेशर लगा लेते हैं। जब कुकर का प्रेशर अपने से निकल जाएगा तो लीड खोल देते हैं। अब चना को चेक कर लेंगे। चना अच्छी तरह से गल चुका है। अब दोनों को पानी से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ निकालनी है। अब आलू एक बॉल में ले लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू पूरी तरह से मैश हो चुका है। इसे रख देते हैं एक साइड में। कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुका है। डाल देते हैं सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच। एक छोटी चम्मच डालेंगे जीरा। लाल मिर्च का टुकड़ा डालेंगे 2 ठो। तेज़पत्ता डाल देते हैं। सभी को अच्छी तरह से चटकने देंगे। सभी अच्छी तरह से चटक गया। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। एक टमाटर डाल देते हैं। जब तक सही भून जा रहा है तब तक मसाला तैयारी कर लेते हैं। यहाँ देखिए 5 से 6 मिर्च है, जीरा है, घोल के धनिया है, लहसुन है और ये अदरक है 2 टुकड़े। सभी को पीस लेंगे। मसाला पीस चुका है। चलिए प्याज देख लेते हैं। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। डाल देते हैं मसाला। टमाटर को काट लेते हैं ताकि जल्दी से सॉफ्ट गल जाए। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी। इसे चला लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसको कर देंगे कवर ताकि प्याज और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। देखिए प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पहले से छुड़ाते हुए मसाले अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ डाल देते हैं मैश किया हुआ आलू। सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे।
मसाला अच्छी तरह से भुंजा गया। अब डाल देते हैं इसमें बॉईल किया हुआ काला चना, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं मसालों में। अब डाल देते हैं यहाँ पानी, आपको जितना ग्रेवी रखना हो उतना ही डालिए, क्योंकि चना यहाँ अच्छी तरह से मेरा बॉईल हो चुका है, अच्छी तरह से सीझा हुआ है। इसको ढक देते हैं। देखिए काले चने के बोल सकते हैं इसे घुगनी तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें कोई गरम मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं, बेहद टेस्टी लगता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत रंगत आया इसे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।